जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको भरमा भिंडी बनाना बताऊंगी। उसे भरेंगे नहीं, फिर भी वह बहुत ही टेस्टी लगेगी और भरमा ही बनेगी। ये देखिए आप, मैंने इस तरह सभी भिंडियों को धोकर सुखाकर पोंछ ली है और कट लगाए हैं और छोटे छोटे पीस किए हैं। इसके ज़्यादा बड़े पीस नहीं करने हैं, मीडियम साइज के पीस करें इस तरह से। मैंने सभी को तैयार करके रख ली है। अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून तेल डाला है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी और थोड़ी सी हींग। अब जैसे ही ये तड़केंगे, अच्छे से तड़क जाएंगे जीरा, उसके बाद में ये सारे पीस डाल रही हूँ भिंडी के। इस तरह से मैं इसे 1-2 मिनट ऐसे ही चलाना है। अब इसे ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट पकाएं। एक बार इन्हें हिला लें। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला और चाट मसाला। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही टेस्टी भिंडी बनेगी और बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेगी। मैं इसमें धनिया पाउडर बाद में डालती हूँ। अब इसे वापस से 2-3 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। ये हमने ढक दिया इसे 2-3 मिनट के लिए। अब वापस से इसे हिलाएंगे और ये मैंने धनिया पाउडर डाला है 2-2.5 चम्मच और ये थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर हड्डियों के लिए अच्छा रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सब्जियों में डालती हूँ। इस तरह से अच्छे से मिला लें उलट पुलट करके। ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसे 1-2 मिनट और रख सकते हैं धनिया डालने के बाद। अब ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया डालकर इसे सर्व करें। पूड़ी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगेगी और बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनी है। आप धनिया बाद में डालेंगे तो ये बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेगी। मैं इसी तरह से इस भिंडी को बनाती हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। इस सब्जी को एक बार ज़रूर बनाएं।